बहुत ही कम दाम में 4 या 5 रुपए में एक गैस टर्च बनाएंगे। तो ये रहा हमारा वो गैस सिलेंडर, और इस यहाँ पर हम आग लगाएंगे तो ये जलेगा। आग लगाते हैं और फिर देखते हैं, देखिए कितने जोर से जल रहा है। ये जो एक्सपेंडर ये बहुत ही खतरनाक है, तो प्लीज़ इसे घर पर ट्राई मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे एक सिंपल सा बोतल, ये घर पर आसानी से मिल जाएगा। और क्या लेंगे जो गैस प्रोड्यूस कर सकता है, तो अब क्या लेंगे जो गैस प्रोड्यूस कर सके, तो इसके लिए लेंगे हम ये जो पत्थर आप देख रहे हो यह कैल्शियम कार्बाइड। जब हम इस कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ मिक्स करेंगे तभी क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो पानी के साथ मिक्स होते ही एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। जो एसिटिलीन गैस है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जो कि हाई टेम्परेचर में जलता है और जिसे हम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर लोहे को काटते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे घर पर ट्राई मत कीजिएगा, अगर ट्राई करते हो तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। चलिए इसी को हम यूज करके आज गैस वाला टर्च बनाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसका जो ढक्कन है इसमें हमें थोड़ा सा छेद करना होगा, तो यहाँ पर हम एक छेद कर लेते हैं। इतना काफी है। तो अब हम ये वाला पाइप लेंगे जो मेडिकल में यूज किया जाता है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको इसके ढक्कन के साथ फिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ग्लू दे देते हैं ताकि जो गैस है वो इसमें से लीक ना हो। तो ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, इस बोतल में थोड़ा पानी लेंगे हमने इस बोतल में पानी डाल दिया है, तो चलिए अब हम इसमें कैल्शियम कार्बाइड को डालते हैं और इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। गैस सिलेंडर अभी तैयार है। अब हम इसमें से गैस निकालेंगे और आग लगाएंगे। इतने तेजी से ये जल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक है। तो प्लीज़ इसे घर पर ट्राई मत कीजिएगा।